स्टफ़ चीला बना लेंगे। सबसे पहले चीले के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए ऑयल में हम डालेंगे राइस, साथ में जाएगा करी पत्ता, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी को हम कुछ सेकंड्स के लिए कुक करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बॉयल एंड मैश्ड पोटैटो। वो डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, साथ में इसके अंदर हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, और इस सबको हम मिक्स कर लगभग 1 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि अच्छी तरीके से सभी मसाले आलू में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। उसके बाद हम बनाएंगे चीले का बैटर। इसके लिए बेसन में डालेंगे हम नमक, लाल मिर्च पाउडर और हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। इस सबको मिक्स कर लेंगे और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे तवे को गरम, उस पर हम डालेंगे ऑयल, और उसके बाद ये मैंने टिश्यू पेपर से ऑयल को अच्छे से पूरे तवे पे ग्रीस कर दिया है। उसके बाद हम लेंगे बैटर और इसे इस तरीके से हम गोल गोल बड़ा करना शुरू कर देंगे। ये देखिए हमें किस तरीके से हल्के हाथ से इसे फैलाना है। बैटर को बिल्कुल हल्के हाथ से गोल गोल फैला लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से बैटर फैल चुका है। अब हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद हम इस पर डालेंगे ऑयल। जब चीला अच्छी तरीके से सिक जाएगा तो ये तवे को खुद ही छोड़ देगा। उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था वो हम इसके अंदर स्टफ़ करेंगे और ये चीला बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।